फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर स्पेस का थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ़ कैप ऑफ एस एंड टा ऑफ एस आर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ एस कैप ऑफ एस एंड टा ऑफ एस दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं. ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए दैन देर एग्जिस्ट अनिक स्पेस कर्व देन हमने प्रूव ये करना है कि जो स्पेस कर्व है वह यूनिक है डिटर्मन बट फॉर पोजिशन इन स्पेस फॉर विच कैपा इज द टेचर एंड टॉ इज़ अ टोर्शन एंड एस इज़ द आर्गलेंथ मेयड फ्राम आउटसाइड बेस पॉइंट देन हमने इस थुरम की यूनिकनेस को प्रूव करना है प्रूफ करने के लिए हमें एक यहाँ पे मेथड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए हमें एक पोजिशन वैक्टर आर ओ फेस लेते हैं जो कि एनी पॉइंट है किसी भी एक कर्व के ऊपर तो मूविंग ट्रेड हम चूँकि यहाँ पे इसको फंक्शंस की बात करें तो हम टी एन और बी को भी फंक्शन की फॉर्म में ही लेते हैं टी ऑफ एस एन ऑफ एस एंड बी ऑफ एस विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंटरेस्टिंग इक्वेशंस जहाँ जब हमने यहाँ पे कंसीडर करना है फॉलोइंग थ्री साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस को जहाँ पर हमने कंसिडर करना है बीटा और गैमा की फॉर्म में वो वाली कौन सी इक्वेशंस होगी यहाँ पर सीरेट फ्रीनट फार्मूलाज से जो हमने टी एन और बी के लिए इक्वेशंस निकाली थी वही हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गैमा के लिए निकालनी है यहाँ पे टी एन और बी की जगह टी की जगह अल्फ़ा यूज़ करेंगे एन की जगह बीटा यूज़ करेंगे और बी की जगह पे गैमा यूज़ करेंगे सीरेट फ्रीनेट फॉर्मूला में बाकी टर्म्स जो है हमारे पास वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगी देन हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा के लिए इक्वेशन वन इस तरह आ जाएगी डी अल्फ़ा बाय डी एस इज इक्वल टू कैपा बीटा डी बीटा बाय डी एस इज इक्वल टू टा गैमा बाय कैपा अल्फ़ा और डी गैमा बाय डी एस इज इक्वल टू माइनस टा बीटा यहाँ पे टी एन और बी टी के लिए अल्फा एन के लिए बीटा और बी के लिए गैमा यूज़ किया बाकी टर्म एज इट इज़ है यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा जो है वो आन फंक्शंस है एस पैरामीटर के लिए और हमारे पास जो कैपा और टॉप टौ, टोर्शन है हमारे पास ये फंक्शन है जो हमारे पास गिवन फंक्शंस है उसकी फॉर्म में कैपा ऑफ एस एंड टॉफ एस जो कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है जो गिवन स्टेटमेंट में उन्होंने बताया हुआ था देन हमने जो अब ये वाला सेट लिया है इसको हमने यूनिक प्रूव करना है कॉन्टीन्यूस सोलोशन के लिए वो कैसे हम करेंगे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर हम एक इक्वेशन हमने ये ले लिया है दूसरा हमने इस मैथड को कंस्ट्रक्ट इस तरह से कर लेना है कि बाद में हम इसके फोर स्टेप्स को डिफाइन करेंगे किस करेंगे फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशंस को और दो प्रूव करना है सेकंड में हमने उसी के लिए मैट्रिक्स को और दो प्रूव करना है फिर जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम उसके लिए पोजीशन वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और फोर्थ में हम उसकी यूनिकनेस को प्रूव कर देंगे जो कि थ्योरम का एक्चुअली uh, में uh, काम है तो इसके लिए सबसे पहले हम uh, क्या करेंगे एक टेक्निक यूज करेंगे थ्री स्लोशन के लिए एल्फा बीटा और गैमा तीन स्लोशन हमने लिए हैं तो इसका मतलब जो एल्फा बीटा और गैमा एल्फा आई बीटा आई गैमा आई लेते हैं यहाँ पे आई हमने कौन सा लेना है? वन टू और थ्री मतलब यहाँ पे थ्री uh, तो पे आई भी हमारे पास थ्री तक होगा तो इसके लिए हम अल्फा को आई थ्री के लिए कैसे लिखेंगे अल्फा आई मतलब अल्फा आई में पहले वन आ जाएगा फिर अल्फा टू अल्फा थ्री इसी तरह बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री गैमा वन गैमा टू गैमा, टू, गैमा थ्री ये हमारे पास बेसिस सोलोशन है किसके लिए टी एंड बी के लिए तो देन हम अब हमने इस पर इनिशियल कंडीशन लगानी है इनिशियल कंडीशन को हमने इस तरह सेट करना है कि जो अल्फ़ा नोट बीटा नोट गैमा नोट है उसको एस इक्वल टू जीरो पे चेक करना है जीरो पे हम कैसे चेक करते हैं अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू वन लेते हैं स्टार्ट पे एस इक्वल टू ज़ीरो अल्फ़ा वन तो बीटा और गैमा जीरो ज़ीरो हो जाएंगे जब हम अल्फा अल्फा को भी जीरो गैमा को भी जीरो लेंगे तो बीटा हमारे पास वन हो जाएगा एस एज इक्वल टू जीरो पर इसी तरह जब हम हैमा वन को वन लेंगे तो अल्फा और बीटा जो होंगे वो जीरो जीरो हो जाएंगे एस एज इक्वल टू जीरो पर अब इन इक्वेशंस को हम इस तरह लिखेंगे अल्फा वन ऑफ़ जीरो वो वन है तो बीटा वन ऑफ़ ज़ीरो और गैमा वन ऑफ ज़ीरो जो है वो जीरो ज़ीरो हो जाएंगे इसको इक्वेशन टू का नेम देते थे सिमिलरली इसी तरह हम इसको अल्फ़ा टू बीटा टू गैमा टू और अल्फ़ा थ्री बीटा थ्री गैमा थ्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर अल्फा टू ऑफ जीरो ज़ीरो तो बीटा टू ऑफ़ जीरो वन होगा देन बीटा टू ऑफ जीरो अगर वन है तो अल्फा टू ऑफ जीरो और गैमा टू ऑफ जीरो जो है ये दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे इसी तरह थर्ड के लिए अगर हम गैमा थ्री ऑफ जीरो को वन लेते हैं तो अल्फा थ्री ऑफ़ ज़ीरो और बीटा थ्री ऑफ जीरो दोनों जो है वो हमारे पास जीरो जीरो हो जाएंगे एस इज इक्वल टू जीरो पे अब हमने इस थ्योरम के यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए फोर स्टेप्स इस्टेब्लिश करनी है फर्स्ट स्टेप ये है फर्स्ट स्टेप में हमने क्या प्रूव करना है इक्वेशंस को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है इक्वेशंस को और प्रूव करने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि अगर इक्वेशंस और uh, है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो वन के इक्वल आना चाहिए और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए अब हम ख़ुद से यहाँ पर छेशंस लट कर लेते हैं बाद में हम इन छः इक्वेश को प्रूव करेंगे अगर वो हमारे से प्रूव हो जाएंगी तो इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशंस uh, हमने सिस्टम एल्फ़ा बीटा और गैमा के लिए लिया है वो क्या है हमारे पास और है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एल्फ़ा वन बीटा वन और गैमा वन वाली जो इक्वेशन है उसका उसी के साथ

छः क्वेश्चन प्रूफ हो जाती हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो मूविंग uh, ट्रेड है अल्फा बीटा और गैमा वो और दो गोनल है तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन वन को लेते हैं इसको हमने प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करना है इसको हम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री और इसी तरह गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री जो है वो डिफाइन कर रहे हैं किस फंक्शन पे टी ओ एस एन एस और बी ओफ एस के लिए तो सबसे पहले हम जो पहली इक्वेशन अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस गैमा वन स्क्वायर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड को हमने ले लिया लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल है इस पे जब तीनों टर्म्स पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो जब अल्फा वन स्क्वायर का डेरिवेटिव अल्फा वन डी अल्फा वन बाय डी एस बीटा वन का हमारे पास डेरिवेटिव टू बीटा वन डी बीटा वन बाय डी एस गैमा वन स्केयर का डेरिवेटिव टू गैमा वन डी गैमा वन बाई डी एस आ जाएगा ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वन अब यहाँ पे जो इक्वेशन वन हमने ली थी सीरट नीरन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग डी अल्फा वन बाई डी एस की वैल्यू डी बीटा वन बाई डी एस की वैल्यू और डी गैमा वन बाई डी एस की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी डी अल्फा बाई वन बाय डी एस कैपा बीटा वन डी बीटा वन बाई डी एस की वैल्यू टा गैमा वन माइनस कैपा एल्फा वन और डी गैमा वन बाई डी एस की वैल्यू माइनस टा बीटा वन अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे खोलेंगे तो जो टू बीटा वन टॉग एमा वन की वैल्यू हो वही इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इसके साथ माइनस है और माइनस टू बीटा वन कैपा अल्फा वन की वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो अब हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव किसके इक्वल आया जीरो इसका मतलब ये टर्म हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल है जब टर्म कोई कांस्टेंट के इक्वल होती है तभी उसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आता है तो अब ये वाली जो टर्म है अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस गैमा वन स्क्यर ये कॉन्सटेंट के इक्वल है कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे उसको सी का नेम देते हैं अब इक्वेशन नंबर टू से जहाँ पे हमारे पास अल्फा वन बीटा वन और गैमा वन की जो हमने इनिशियल कंडीशन लगा के वैल्यूज निकाली थी अल्फा वन की वैल्यू वन थी बीटा वन की वैल्यू जीरो और गैमा वन की वैल्यू भी जीरो वो वाले जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा वन की जगह पे हमारे पास वन बाकी जीरो जीरो इसका मतलब सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी वन के तो ये वाली जो टर्म हमारे पास अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस गैमा वन स्क्वायर होगी ये वन के इक्वल आ जाएगी ये वाली टर्म हमारे पास वन के इक्वल आ गई तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फा टू स्क्यर प्लस बीटा टू स्क्र प्लस गैमा टू स्क्यर होगा वो भी वन के इक्वल आएगा और इसी तरह से अल्फा थ्री स्क्र प्लस बीटा थ्री स्क्यर प्लस गैमा थ्री स्क्यर की जो टर्म है वो भी हमारे पास आ जाएगी वन के इक्वल कि जो फर्स्ट हमारे पास थ्री कंडीशन थी वो तो हो गई प्रूव अब हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले तीन इक्वेशन है उनको भी प्रूव करना है उनको प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन वन ले लेते हैं एल्फा वन एल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गैमा वन गैमा टू इस पर हम डेरिवेटिव अपलाई करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो तीनों टर्म्स पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा और तीनों टर्म जो हैं वो दो-दो फंक्शंस -दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल इस तरह से अल्फा वन एज इट इज अल्फा टू का डेरिवेटिव प्लस अल्फा 2 एज इट इज अल्फा 1 का डेरिवेटिव इसी तरह अब इस पे भी हम लगेंगे बीटा 1 एज इट इज बीटा 2 का डेरिवेटिव प्लस प्लस बीटा वन का डेरिवेटिव बीटा टू एज इट इज प्लस फिर इसमें भी ऐसे ही लगेगा गैमा वन का डेरिवेटिव गैमा टू एज इट इज़ प्लस गैमा वन एज इट इज़ गैमा टू का डेरिवेटिव अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन से जो कि सीरट फ्रीरेंट फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ वहाँ पे ली थी डी एल्फ़ा टू बाई डी एस की वैल्यू कैपा बीटा टू डी एल्फा वन बाई डी एस की वैल्यू कैपा बीटा वन डी बीटा वन बाई डी एस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाती है टा गैमा टू माइनस कैपा एल्फ़ा टू और इसी तरह बीटा वन ए, की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डी बीटा वन बाई डी एस डी एस की वैल्यू टा गैमा वन माइनस कैपा एल्फ़ा वन इसी तरह डी गैमा वन बाई डी की डी एस की वैल्यू माइनस टा बीटा वन और डी गैमा टू बाई डी एस की वैल्यू माइनस टा बीटा टू ये अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे अल्फा वन कैपा बीटा टू यहाँ पे हमारे पास बीटा टू कैपा अल्फा वन इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और अल्फा टू केपा बीटा वन जो हमारे पास है वो अल्फा टू हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ये वाली बीटा वन केपा अल्फा टू इसके साथ हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगी ये इसी तरह से सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब ये यह, यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गैमा वन गैमा टू जो है वो एक कॉन्स्टेंट के इक्वल है तो इक्वेशन नंबर टू और थर्ड से हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस से जो हमारे पास अल्फा और बीटा और गैमा की वैल्यूज़ आई हुई थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा वन तो वन था लेकिन अल्फ़ा टू जीरो था बीटा वन जीरो था बीटा टू वन था गैमा वन भी जीरो था गैमा टू भी जीरो था, था तो ये सारी टर्म्स किसके इक्वल आ जाएंगे ज़ीरो के तो इस कॉन्स्टेंट को हम क्या नेम देते हैं डी डी हमारे पास जीरो के इक्वल यहाँ पे हमारे पास अगर ये टर्म जीरो के इक्वल है तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस बीटा टू बीटा थ्री प्लस गैमा टू गैमा थ्री होगा वो भी जीरो के इक्वल होगा सिमिलरली अल्फा थ्री अल्फा वन प्लस बीटा थ्री बीटा वन प्लस गैमा थ्री गैमा वन भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि छः इक्वेशन जो थी डॉट प्रोडक्ट वन के इक्वल है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन में मूविंग ट्रेड अल्फा बीटा और गैमा है ये हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल है अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि अगर ये ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी होगा वो भी आपस में और दो होगा तो इसके लिए हम जो अल्फ़ा बीटा और गैमा के लिए मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं अल्फा वन बीटा वन गैमा वन अल्फा टू बीटा टू गैमा टू अल्फा थ्री बीटा थ्री गैमा थ्री ये तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास और है तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे इन ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांसपोज को मैट्रिक ए के साथ मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें और अगर हमारे पास जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो भी और दो गोनल है अब हमने ये जो सिक्स स्टेप्स है उर्दो गोनल है ठीक है के लिए वो तो स्टेप वन में प्रूव कर दिए अब स्टेप टू में हमने इसको मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना है तो यहाँ पे हम ए प्राइम यहाँ पे एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं ए का ट्रांसपोज है और इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो अडेंटी मैट्रिक्स है देन हम क्या uh, कह देंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो उर्दो गोनला है अब ये इक्वेशन जो हमने वन ली है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज टू अडेंटिटी अब हमने जो इसकी लेफ्ट साइड है इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज और ये वाला मैट्रिक्स ए इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज लगाई है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देन फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ देन फर्स्ट हमारे पास रो है उसको थर्ड कॉलम के साथ इसी तरह थर्ड रो जो सेकंड रो है उसमें हमने क्या करना है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ देन सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ फिर नेक्स्ट हमने जो थर्ड हमारी रो है वो ऐसे आ जाएगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फिर यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड एंट्री उसकी आएगी थर्ड रो सेकंड कॉलम और जो हमारे पास थर्ड एंट्री है वो आएगी थर्ड रो और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही हमने वैल्यूज जो इक्वेशन नंबर टू और थ्री में हमारे पास इनिशियल कंडीशन एस इज इक्वल टू जीरो पर इनकी वैल्यूज थी वो पुट करेंगे यहाँ पे एल्फा वन तो हमारे पास वन था लेकिन एल्फा टू और एल्फा थ्री जीरो जीरो था तो आंसर क्या आ जाएगा वन यहाँ पे हमारे पास एल्फा वन की वैल्यू वन थी बीटा वन जीरो था एल्फा टू जीरो था बीटा टू वन था एल्फा थ्री जीरो था बीटा थ्री जीरो था मतलब ये भी जीरो टर्म हो गई ये भी जीरो हो गई

यहाँ पे बीटा वन जो था जीरो था बीटा टू वन था बीटा टू भी हमारा बीटा थ्री भी जीरो था मतलब ये दोनों टर्म जीरो ये वन तो आंसर क्या आ गया वन इसी तरह से बिल्कुल जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें करते हैं तो ये भी जीरो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं ये भी जीरो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं ये भी ज़ीरो और गैमा वन यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे वन तो आंसर क्या आ गया वन अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के और इसी तरह हम यहाँ से अगेन यहाँ से इक्वेशन भी लिख सकते हैं सिक्स इक्वेशन जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में भी प्रूव किया था यहाँ पर हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग वन आया है एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस एल्फा थ्री इसी तरह ये हमारे पास वन किसकी जगह आया है बीटा वन स्क्वायर प्लस बटा टू स्क्र प्लस बीटा थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसी तरह ये वाला वन हमारे पास गैमा वन स्क्र प्लस गैमा टू स्क्वायर प्लस गैमा थ्री स्क्र के इक्वल आया है और इसी तरह से यह वाली जो टर्म है हम इनको भी लिख सकते हैं जो हमारे पास अल्फा वन बीटा वन प्लस अल्फा टू बीटा टू प्लस अल्फा थ्री बीटा थ्री वो भी जीरो बीटा वन गैमा वन प्लस बीटा टू गैमा टू प्लस बीटा थ्री गैमा थ्री इज वल टू जीरो इसी तरह से हम लिख सकते हैं अल्फा वन गैमा वन प्लस अल्फा टू गैमा टू प्लस अल्फा थ्री गैमा थ्री इज ल टू जीरो ये जो सिक्स इक्वेशन हैं ये शो कर रही हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो मिचली और दोगोनल है मिचली और दोगोनल हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये हमारे पास जो चीज़ आ रही है अल्फा वन स्क्वायर प्लस अल्फा टू स्क्वायर प्लस अल्फा थ्री इसके लिए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इक्वेशंस ले रहे हैं जो कि टी थी जबकि एन के लिए हम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री और बी के लिए गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री ले रहे हैं हर एक को किसके लिए ले रहे हैं वैल्यूज पैरामीटर यहाँ पे हमारे पास क्या है एस अब स्टेप वन और टू में हमने ये प्रूव किया कि जो इक्वेशन हैं वो ऑर्थोगोनल हैं और अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका जो मैट्रिक्स की इक्वेशन होती हैं वो भी मिचली ऑर्थोगोनल होती हैं अब हमने स्टेप थ्री में ये बताना है कि जो हमने पीछे टी के लिए एल्फा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा थ्री लिया था मतलब एक पैरामीटर ऑफ एल्फाफेफ वो टी के इक्वल होता है और जो हमारे पास एन है वो हमारे पास बीटा के इक्वल है, है और जो हमारे पास बी है वो गैमा के इक्वल है इस थ्री स्टेप में हमने ये वाला पोजिशन वैक्टर जो आर है उसको प्रूव करना है तो सबसे पहले

क्या करेंगे इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी डीएस जो है वो डी एल्फा बाई डी एस आ जाएगा और डी एल्फा बाई डीएस की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन सीरेट फ्रीनेट फॉर्मूला से किसके इक्वल थी एस बीटा के तो जब ये कैपा ऑफ बीटा एस के इक्वल है तो यहाँ से जो सीरेट फिनेट फॉर्मूला वहाँ से डी टी बाई डी एस कैप एन इक्वल था मतलब ये ये भी डी टी बाई डी एस के इक्वल ये भी डी टी बाई डी एस के इक्वल तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई जब दोनों इक्वेशन इक्वल एक हैं तो यहाँ से क्या शो होता है कि जो एन यूनिट नॉर्मल है वो बीटा के पैरल है अगर ये बीटा के पैरेलल है तो इसका मतलब जो कैपा है वो कैप एस के इक्वल आ जाएगा यही हमने स्टार्ट में कहा था कि जो कर्वेचर है वो कैप एस की फॉर्म में क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कैपा इज इक्वल टू कैपा देन बी बन इज इक्वल टू बीटा यही हमने इसमें प्रूफ करना था कि अगर टी हमारे पास अल्फा के इक्वल है तो जो एन है वो बीटा के इक्वल होगा देन अब हमने थर्ड चीज इसमें क्या प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास बी है वो गहमा के इक्वल है उसके लिए क्या लिए? अब हमें पता है कि जो बी है वो टी क्रॉस एन के इक्वल है टी यहाँ पे हमारे पास अल्फा है बी एन हमारे पास यहाँ पे बीटा है तो ये भी हमें पता है कि जो अल्फा क्रॉस बीटा है वो गेमा के इक्वल आ जाएगा यहाँ से प्रूव हुआ कि जो बी बी है वो गैमा के इक्वल है अब अगर हम इस पर अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव बोथ साइड पे डी बी बाई डी एस डी एल्फा बा डी गैमा बाई डी एस और इक्वेशन वन से इसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस टा ऑफ एस बीटा से और वैसे जो हमारे पास सीरेट फ्रीनड फार्मूला डी बीटा डी बी बाई डी एस है वो माइनस टा एन के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि अगर एन यूनिट नॉर्मल के है तो इसका मतलब जो टॉ टॉ है है वो के इक्वल तो यहाँ से हम जो इक्वेशन सिक्स लेट की थी आर इज इक्वल टू वो हमारे पास इक्वेशन थी एस यहाँ पे इंटीग्रल जीरो टू एस यहाँ पे एल्फा ऑफ एस था एल्फा ऑफ एस की जगह पे हम यहाँ पे टी लगा सकते हैं क्योंकि हमने पहले यही प्रूव किया था कि जो हमारे पास टी है वो अल्फा के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लगा सकते हैं यही एक्चुअली में हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जो कि एक पॉइंट है कर्व के ऊपर आर्क लेंथ एस है और इसमें हमारे पास जो पैरामीटर हमने यूज़ किए हैं वो एन टी टी एन और बी यूज़ किए हैं और उसके अलावा हमारे पास जो मूविंग ट्रेड यूनिट थे वो हमारे पास इज इक्वल टू ऑफ कैपाफिस्था और टा इज इक्वल टू टा ऑफ एसता जो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन थे अब हमने और दो गोनल भी प्रूफ कर दिया उसके हमने जो मूविंग ट्रेड थे वो भी प्रूफ कर दिया अब हमने एंड पे प्रूफ क्या करना था उसकी यूनिकनेस के अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक भी हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन जो है उनको हम देखेंगे तो उनको देखने के लिए सबसे हमने कर्व लेट कर लेने दो कर्व लेट करते हैं एक सी और सी वन दो कर्व लेट कर लिए जो कि डिफाइन करते हैं किसकी रिस्पेक्ट में आर्क लेंथ में अगर दो कर्व्स हैं और वो उनको हमने यूनिक प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें उनके कर्वेचर टॉर्शन ये सब पता होना चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं कि जो दो कर्व सी और सी वन है उनके कर्वेचर और टॉर्शन इक्वल है अब जो दोनों के कर्वेचर और टोशन वो सेम है तो हमने लेट करना है एक पॉइंट ए जो कि कर्व ए पे है एक पॉइंट ए वन जो कि कर्व सी वन पे है अब देखो अगर सी वन जो लेट हमने किया हुआ कर्व वो मूव करता है जैसे जैसे सी वन कव मूव करेगा वैसे वैसे उसका पॉइंट मूव करेगा जैसे जैसे उसका पॉइंट मूव करेगा वैसे वैसे जो उसके मूविंग ट्रेड टी एन बी है वो भी मूव करेंगे अब जो कर्व सी है वो सी वन की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो उसका हमारे पास सी वन के जो मूविंग ट्रेड टी एन टी वन एन वन बी है वो पॉइंट ए से वन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट ए वन है वो डी एन बी से कंसाइड कर रहा है पॉइंट ए पे या फिर हमारे पास एस जीरो मतलब कि जैसे जैसे हमारे पास पॉइंट जो कर्व सी है वो सी वन की तरफ मूव करता है वैसे वैसे हमारे पास जो पॉइंट ए है वो ए वन की तरफ मूव करता है वैसे वैसे मूविंग टेट टी एन बी जो है वो टी वन एन वन बी वन की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो इनकी डिफरेंशियल इक्वेश बनेगी वो ऐसे बनेगी जो टी वन है वो एन वन के साथ हो, मतलब के कर रहा है तो इसका मतलब टी का डॉट लेंगे टी वन के साथ एन जो है वो एन वन की तरफ है कंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब एन का एन वन से डॉट लेंगे और जो बी है वो बी वन पे कंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसका डॉट लेंगे डॉट लेने के बाद हम इस पर अप्लाई कर देंगे डेरीवेटिव जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट टू लगेगा टी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टी एन प्लस टी वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ़ टी ये प्रूफ मतलब डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे सीरट फ्रीनट फॉर्मूला से डी टी वन बाई डी एस डी टी बाई डी एस की वैल्यूज लगा देंगे जो कि कैपा एन के इक्वल थी इसी तरह हम एन का डेरिवेटिव जब लेंगे तो एन एज इट इज डी एन वन बाई डी एस प्लस डी एन बाई डी एस एन वन एज इट इज़ यहाँ पर भी हम सीरट फ्रीनट फॉर्मूला से इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे और इसी तरह बी डॉट बी वन का जब डेरिवेटिव लिया उस पर भी सीरट फ्रीनट फॉर्मूला से हमने वैल्यूज़ लगाएं अब वैल्यूज़ लगाने के बाद हमने क्या करना है इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है लेफ्ट साइड को लेफ्ट में राइट right साइड को लाइट right, राइट right में जब लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो सब तीनों टर्म्स में डी बाई डी एस कॉमन है डी बाई डी एस हम कॉमन निकाल लेंगे बाकी हमारे पास टी डॉट टी वन एन डॉट एन वन बी डॉट बी वन एड हो जाएगा और इसी तरह हम जो राइट right साइड पे टर्म्स हैं उनको भी जब ऐड करेंगे तो सारी टर्म जो हैं वो तीनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो कुछ एडिशन की है कुछ सब्ट्रैक्शन की हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कैंसिल आउट हो के हमारे पास आंसर आ जाएगा जी तो टर्म बच जाएगी डी बाई डी एस इन टू टी डॉट टी वन प्लस एन डॉट एन वन प्लस बी डॉट बी वन इज ईक्वल टू जीरो अब हमने ये इस डी बाई डी एस को यहाँ पे ख़त्म करना है ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और जीरो की इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट सी के इक्वल आ जाएगी तो अब सी हमारे पास कॉन्सटेंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एस इज़ इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब टी टी वन के इक्वल भी हो सकता है एन एन वन के इक्वल हो सकता है बी बी वन के इक्वल अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल हैं तो इसका मतलब हम टी डॉट टी एन डॉट एन और बी डॉट बी लिख सकते हैं तो हमें यह भी पता है कि जो सेम टर्म्स uh, का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल वन के होता है यहाँ पे इसकी जगह भी वन इसकी जगह भी वन इसकी जगह भी वन तो c कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री के इक्वल इसका मतलब टी डॉट टी वन प्लस एन डॉट एन वन प्लस बी डॉट बी वन जो है वो थ्री के इक्वल है तो अब हमें ये भी पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास अगर हम उसको अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वो तो कोसाइन को की फॉर्म में आता है इसका मतलब अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो वो टी मैग्नीट्यूड टी वन मैग्नीटूड कॉज ऑफ थीटा एन मैग्नीट्यूड एन वन मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ़ थीटा बी मैग्नीट्यूड बी वन मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा आएगा अब यहाँ पे हमने चूंकि इसको प्रूव करना है कि ये टर्म हमारे पास थ्री के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जब हम इनके कॉज को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वन वन आंसर आना और वन वन आंसर हमारे पास सिर्फ उस वक्त आ सकते हैं चूँकि ये तो है यूनिट यूनिट वेक्टर्स तो इनका तो मैग्नीट्यूड आएगा ही वन वन तो कोज ऑफ थीटा प्लस कोज ऑफ थीटा प्लस कोज ऑफ थीटा रह जाएगा तो कोज ऑफ थीटा वन के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब हमारे पास जो एंगल हैं वो ज़ीरो होंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास कब सेटिस्फाई होती हैं जब हमारे पास सारे के सारे एंगल जीरो हों अदरवाइज़ ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो ज़ीरो ज़ीरो है एंगल ज़ीरो ज़ीरो उस वक्त हो सकते हैं जब हमारे पास जो वे, यूनिट वैक्टर्स हमने लिए हैं वो एक दूसरे के पैरल हो जाएँ पैरल हो जाए मतलब सेम हो जाए अगर टी टी वन के इक्वल आ जाता है एन एन वन के इक्वल आ जाता है बी बी वन के इक्वल आ जाता है जिसका मतलब ये तीनों आपस में पैरल हो गए पैरल होंगे तो इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होंगे एंगल ज़ीरो होंगे तो जो इक्वेशन हमने लेट की थी स्टार्ट में वो प्रूव हो जाएगी तो देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेरीवेटिव आर मैन आर वन पोजीशन वैक्टर है वो जीरो के

तो यही हमने इसमें प्रूव करना था कि अगर हम मूविंग ट्रेड ले रहे हैं तो आर वन जो है वो आर वन के इक्वल आ गया आर आर वन के इक्वल इसका मतलब आइडेंटिकल है आइडेंटिकल है तो इसका मतलब जो सी और सी वन कव थे वो कंसाइड कर रहे थे तो इसका मतलब वो यूनिक थे यूनिक थे तो दोनों पोजिशन वैक्टर सेम आए ना इसका मतलब वो एक ही पोजिशन फैक्टर है जबकि दो नहीं है और यही हमने एक्चुअली में इस थ्योरम में प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कैप ऑफ एस और टा ऑफ एस दो कंटिन्यूस फंक्शन है दैन देर एग्जिस्टा स्पेस कव यूनिक